हेलो इन्वेस्टर, एक बार फिर से मैं विजय आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिन जिनको आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ नहीं मिला था, वो लोग काफ़ी निराश हुए यहां पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक और लेटेस्ट आईपीओ यहां पर आ रहा है, जल्दी खुलने वाला है, 20 या 22 तारीख को। उसके ऊपर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और इस कंपनी का जो काम का जो बहुत ही डिफिकल्ट मुझे लगा है, इस कंपनी का काम का जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ अभी उसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट में कितनी उसकी डिमांड है, और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर से अवॉइड करना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट कवर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको देखना कंपनी काम काज क्या करती है। तो देख लीजिए, एचएमओ एग्री का आईपीओ यहां पर आ रहा है। 480 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर 20 जून को ओपन होगा। आईपीओ को 23 जून तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी प्रोफाइल। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज भैंस का मांस निर्यात करने वाली अग्रणी निर्यात कंपनी। तो दोस्तों, इस कंपनी का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का कामकाज बहुत ही डिफिकल्ट है। भैंस का मांस ये लोग निर्यात करते हैं। भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले भैंस के कुल फ्रोजन मीट में कंपनी की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है। कंपनी अपने ही ब्रांड नेम से 40 से अधिक देशों में भैंस का मांस एक्सपोर्ट करती है। तो इस कंपनी का कामकाज दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेगा। भैंस का मांस निर्यात करने वाली कंपनी है। तो आइए आईपीओ के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद आपको डिसाइड करना है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। आप इसमें अगर एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 शेयर्स आपको अलॉट होंगे। 20 तारीख को ये ओपन होने वाला है, वहीं 23 को क्लोज हो जाएगा। मिनिमम लॉट साइज 25 है। और यहाँ पर रेंज देखेंगे, इसकी प्राइस रेंज 555-585, जो कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें और आपको अलॉट हो जाए, हमेशा आपको इस वाले प्राइस पर अप्लाई करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस प्राइस पर अप्लाई करते हैं, उनको कोई चांसेस नहीं होता आईपीओ अलॉट होने का। तो अगर आप चाहते हैं आपको आईपीओ अलॉट हो, तो आपको इस वाले प्राइस पर ही अप्लाई करना है, जो कि मैंने बताया कट ऑफ प्राइस होता है, जिसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं, ठीक है। अभी इसकी रेंज वगैरह तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। कंपनी काम कब से कर रही है, 2008 से कंपनी काम कर रही है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर वाजिद अहमद हैं। वहीं इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी आप नज़र डालें, कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखते हैं 2019 में 2742 करोड़ था, जो कि घट करके 2020 में 3073 हो गया। 2021 में और घट करके 1708 करोड़ के आसपास हो गया। टोटल एसेट्स की बात करते हैं अगर, तो टोटल एसेट्स लगभग सेम है। 2019 में 450 करोड़ के आसपास थे और 2021 में 472, थोड़ा सा इजाफा आपको देखने के लिए मिल जाएगा एसेट्स में। प्रॉफिट की बात करें तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ 2019 में इसका प्रॉफिट 31.20 करोड़ था, 2020 में 45.90 करोड़ हो गया, 2021 में इसने जंप मारा है 72.60 करोड़ के आसपास तक। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसका काम काज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए अब इसका जीएमपी कितना चल रहा है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर हम नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर इसका देख लीजिए, एचएम एग्रो इंडस्ट्रीज का अभी जीएमपी 30 रुपये के आसपास है। इसकी प्राइस कट ऑफ प्राइस 585, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उस हिसाब से आपको लिस्टिंग एन 5-6% के आसपास का लिस्टिंग एन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर एक लोट के लिए आज आप अप्लाई करते हैं तो 30 रुपये जीएमपी के हिसाब से 25 का ये लोट है, तो सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये के आसपास आपको लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि ना के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको डिसाइड करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो आईपीओ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसे अवॉइड कर देना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी आप सोच सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ खास लिस्टिंग गेन आपको मिलता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरी बात कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। आइए अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर हम नज़र डालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 जून को ये ओपन हो रहा है, 23 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 480 करोड़ रुपए का इशू है और उसमें से फ्रेश इशू 150 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 330 करोड़ के, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स। कट ऑफ प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा। वह रिटेल कोटा की बात करेंगे तो 35% के आसपास है। तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ मिल जाएगा। QIB कोटा 50% के आसपास है, NII कोटा देखेंगे 15% के आसपास है। इसके साथ साथ अगर एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 25 शेयर्स अलॉट होंगे, इसके लिए 14,625 रुपये आपको पे करने होंगे। मैक्सिमम लोट आप 13 ले सकते हैं, जिसके लिए 1,90,125 रुपये आपको पे करने होंगे। उसी के साथ यहाँ पर प्राइस बैंड अनाउंसमेंट अगर आप देखते हैं, 8 जून को हो चुका है, 19 तारीख को एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट हो चुकी है, 20 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन होगा, 23 को क्लोज हो जाएगा। इसकी बेसिस अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 29 जून को इसका जो बेसिस अलॉटमेंट है वो 29 जून को आएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो जो भी आपका रिफंड हो 30 जून को आपका रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये मिल जाता है
तो क्रेडिट ऑन डीमेट अकाउंट, इसके शेयर्स 3 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट 4 जुलाई है, इसके शेयर आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं 4 जुलाई के आसपास, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके बारे में, इसके रेवेन्यू वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर आपको फैसला लेना है कि आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अवॉइड करना चाहते हैं। अगर मेरी बात माने, मैं आपको किसी भी तरह की कोई सलाह देता हूँ, लेकिन मैं इस आईपीओ को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लिस्टिंग गेन मुझे नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके का कंपनी का काम काज, उसका भविष्य भी मुझे कुछ इतना उज्ज्वल नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा आने वाले समय में आईपीओ आपको कुछ बेनिफिट्स दे सकता है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स, आप इसमें अप्लाई करने वाले या फिर अवॉइड करने वाले। बाकी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और कोई भी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर से कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।